सिर्फ एक आवाज। कहानी मुंशी प्रेमचंद। एक सुबह का वक्त था। ठाकुर दर्शन सिंह के घर में एक हंगामा बरपा था। आज रात को चंद्र ग्रहण होने वाला था। ठाकुर साहब अपनी बूढ़ी ठकुराइन के साथ गंगा जी जाते थे, इसलिए सारा घर उनकी पुरशोर तैयारी में लगा हुआ था। एक बहू उनका फटा हुआ कुर्ता टोक रही थी, दूसरी बहू उनकी पगड़ी लिए सोचती थी कि कैसे इसकी मरम्मत करूं। दोनों लड़कियों नाश्ता तैयार करने में तल्लीन थी। जो ज्यादा दिलचस्प काम था, और बच्चों ने अपनी आदत के अनुसार एक कोहराम मचा रखा था, क्योंकि हर एक आने जाने के मौके पर उनका रोने का जोश उमंग पर होता था। जाने के वक्त साथा जाने के लिए रोते, आने के वक्त इसलिए रोते कि श्रीनी का बॉन्ड खरा मनोनुकूल नहीं हुआ। बड़ी ठकुराइन बच्चों को फुसलाती थी और बीच बीच में अपनी बहुओं को समझाती थी, देखो खबरदार, जब तक उग्र न हो जाए घर से बाहर न निकलना, हंसिया छुरी कुल्हाड़ी इन्हें हाथ से मत छुना, समझाए देती हूं, मानना चाहे न मानना तुम्हें मेरी बात की परवाह है, मुंह में पानी की बूंदे न पड़े। नारायण के घर विपत पड़ी है, जो साधु भिखारी दरवाजे पर आ जाए उसे फेरना मत। बहुओं ने सुना और नहीं सुना, वे मना रही थी कि किसी तरह यह यहां से टलें। फागुन का महीना है, गाने को तरस गए, आज खूब गाना बजाना होगा। ठाकुर साहब थे तो बूढ़े, लेकिन बूढ़ापे का असर दिल तक नहीं पहुंचा था। उन्हें इस बात का गर्व था कि कोई ग्रहण गंगा स्नान के बगैर नहीं छूटा। उनका ज्ञान आश्चर्यजनक था। सिर्फ पत्रों को देखकर महीनों पहले सूर्य ग्रहण और दूसरे पर्वों के दिन बता देते थे, इसलिए गांव वालों की निगाह में उनकी इज्जत अगर पंडितों से ज्यादा न थी तो कम भी न थी। जवानी में कुछ दिनों फौज में नौकरी भी की थी, उसकी गर्मी अब तक बाकी थी। मजाल न थी कि कोई उनकी तरफ सीधी आंख से देख सके। सम्मन लाने वाले एक चपरासी को ऐसी व्यावहारिक चेतावनी दी थी जिसका उदाहरण आसपास के 10-5 गांव में भी नहीं मिल सकता। हिम्मत और हौसले के कामों में अब भी आगे आगे रहते थे। किसी काम को मुश्किल बता देना उनकी हिम्मत को प्रेरित कर देना था। जहां सबकी जबाने बंद हो जाए वहां वे शेरों की तरह गरजते थे। जब कभी गांव में दरोगा जी तशरीफ लाते तो ठाकुर साहब ही का दिल गुर्दा था कि उनसे आंखें मिलाकर आमने सामने बात कर सकें। ज्ञान की बातों को लेकर छिड़ने वाली बहसों के मैदान में भी उनके कारनामे कुछ कम शानदार न थे। झगड़ा पंडित हमेशा उनसे मुंह छिपाया करते। गरज ठाकुर साहब का स्वभावगत गर्व और आत्मविश्वास उन्हें हर बारात में दूल्हा बनने पर मजबूर कर देता था। हाँ, कमजोरी इतनी थी कि अपना आल्हा भी आप ही गा लेते और मजे ले लेकर, क्योंकि रचना को रचनाकार ही खूब बयान करता है। जब दोपहर होते होते ठाकुराइन गांव से चले तो सैकड़ों आदमी उनके साथ थे, और पक्की सड़क पर पहुंचे तो यात्रियों का ऐसा तोता लगा हुआ था कि जैसे कोई बाजार है। ऐसे ऐसे बूढ़े लाठियों टेकते या डोलियों पर सवार चले जाते थे, जिन्हें तकलीफ देने की यमराज ने भी कोई जरूरत न समझी थी। अंधे दूसरों की लकड़ी के सहारे कदम बढ़ाए आते थे। कुछ आदमियों ने अपनी बूढ़ी माताओं को पीठ पर लाद लिया था, किसी के सर पर कपड़ों की पोटली, किसी के कंधे पर लोटा डोर, किसी के कंधे पर कावर। कितने ही आदमियों ने पैरों पर चीथड़े लपेट लिए थे, जूते कहाँ से लाए। मगर धार्मिक उत्साह का यह वरदान था कि मन किसी का मैला न था। सबके चेहरे खिले हुए, हंसते हंसते बातें करते चले जा रहे थे। कुछ औरतें गा रही थी, चौन सूरज दोनों लोक के मालिक एक दिना उन्हों पर बनती, हम जानी हम ही पर बनती, ऐसा मालूम होता था। यह आदमियों की एक नदी थी जो सैकड़ों छोटे छोटे नालों और धारों को लेती हुई समुद्र से मिलने के लिए जा रही थी।
जब यह लोग गंगा के किनारे पहुंचे तो तीसरे पहर का वक्त था, लेकिन मीलों तक कहीं तिल रखने की जगह न थी। इस शानदार दृश्य से दिलों पर ऐसा रोब और भक्ति का ऐसा भाव छा जाता था कि बरबस गंगा माता की जय की सदाएं बुलंद हो जाती थी। लोगों के विश्वास उसी नदी की तरह उमड़े हुए थे और वह नदी, वह लहराता हुआ नीला मैदान, वह प्यासों की प्यास बुझाने वाली, वह निराशों की आशा, वह वरदानों की देवी, वह पवित्रता का स्रोत, वह मुट्ठी भर खाक को आश्रय देने वाली गंगा हंसती मुस्कराती थी और उछलती थी। क्या इसलिए कि आज वह अपनी चौतरफा इज्जत पर फूली न समाती थी, या इसलिए कि वह उछल उछल कर अपने प्रेमियों के गले मिलना चाहती थी जो उसके दर्शनों के लिए मंजिल तय करके आए थे? और उसके परिधान की प्रशंसा किस जबान से हो, जिस सूरत से चमकते हुए तारे टोंके थे और जिसके किनारों को उसकी किरणों ने रंग बिरंगे सुंदर और गतिशील फूलों से सजाया था। अभी ग्रहण लगने में घंटे की देर थी। लोग इधर उधर टहल रहे थे, कहीं मदारियों के खेल थे, कहीं चूरन वाले की लच्छेदार बातों के चमत्कार, कुछ लोग मेढों की कुश्ती देखने के लिए जमा थे। ठाकुर साहब भी अपने कुछ भक्तों के साथ सैर को निकले। उनकी हिम्मत ने गवारा न किया कि इन बाजारू दिलचस्पियों में शरीक हों। यकायक उन्हें एक बड़ा सा शामियाना तना हुआ नजर आया, जहां ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों की भीड़ थी। ठाकुर साहब ने अपने साथियों को एक किनारे खड़ा कर दिया और खुद गर्व से ताकते हुए फर्श पर जा बैठे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यहां उन पर देहातियों की ईर्ष्या दृष्टि पड़ेगी और संभव है कुछ ऐसी बारीक बातें भी मालूम हो जाए तो उनके भक्तों को उनकी सर्वज्ञता का विश्वास दिलाने में काम दे सके। यह एक नैतिक अनुष्ठान था। दो ढाई हजार आदमी बैठे हुए एक मधुरभाषी वक्ता का भाषण सुन रहे थे। फैशनेबल लोग ज्यादातर अगली पंक्ति में बैठे हुए थे, जिन्हें कनबतियों का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। कितने ही अच्छे कपड़े पहने हुए लोग इसलिए दुखी नजर आते थे कि उनकी बगल में निम्न श्रेणी के लोग बैठे हुए थे। भाषण दिलचस्प मालूम पड़ता था। वजन ज्यादा था और चटखारे कम, इसलिए तालियों नहीं बजती थी। तीन वक्ता ने अपने भाषण में कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, यह हमारा और आपका कर्तव्य है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा परिणामदायक और कौम के लिए ज्यादा शुभ और कोई कर्तव्य नहीं है। हम मानते हैं कि उनके आचार व्यवहार की दशा अत्यंत करुण है, मगर विश्वास मानिए, यह सब हमारी करनी है। उनकी इस लज्जाजनक सांस्कृतिक स्थिति का जिम्मेदार हमारे सिवा और कौन हो सकता है? अब इसके सिवा और कोई इलाज नहीं है कि हम उस घृणा और उपेक्षा को, जो उनकी तरफ से हमारे दिलों में बैठी हुई है, घोएं और खूब मलकर धोएं। यह आसान काम नहीं है। जो कालिक कई हजार वर्षों से जमी हुई है, वह आसानी से नहीं मिट सकती। जिन लोगों की छाया से हम बचते आए हैं, जिन्हें हमने जानवरों से भी जलील समझ रखा है, उनसे गले मिलने में हमको त्याग, साहस और परमार्थ से काम लेना पड़ेगा। उस त्याग से जो कृष्ण में था, उस हिम्मत से जो राम में थी, उस परमार्थ से जो चैतन्य और गोविंद में था। मैं यह नहीं कहता कि आप आज ही उनसे शादी के रिश्ते जोड़ें या उनके साथ बैठकर खाएं पिएं, मगर क्या यह भी मुमकिन है कि आप उनके साथ सामान्य सहानुभूति, सामान्य मनुष्यता, सामान्य सदाचार से पेश आएं? क्या यह सचमुच असंभव बात है? आपने कभी ईसाई मिशनरियों को देखा है? जब मैं एक उच्च कोटि का सुंदर सुकुमार गौरवर्ण लेडी को अपनी गोद में एक काला कलूटा बच्चे लिए हुए देखता हूँ, जिसके बदन पर फोड़े हैं, खून है और गंदगी है, वह सुंदरी उस बच्चे को चूमती है, प्यार करती है, छाती से लगाती है, तो मेरा जी चाहता है उस देवी के कदमों पर सिर रख दूं, अपनी नीचता, अपना कमीनापन,
अपनी झूठी बड़ाई, अपने हृदय की संकीर्णता मुझे कभी इतनी सफाई से नजर नहीं आती। इन देवियों के लिए जिंदगी में क्या क्या संपदाएं नहीं थी, खुशियों बौहे पसारे हुए उनके इंतजार में खड़ी थी। उनके लिए दौलत की सब सुख सुविधाएं थी, प्रेम के आकर्षण थे, अपने आत्मीय और स्वजनों की सहानुभूतियों थी और अपनी प्यारी मातृभूमि का आकर्षण था। लेकिन इन देवियों ने उन तमाम नेमतों, उन सब सांसारिक संपदाओं को सेवा, सच्ची निस्वार्थ सेवा पर बलिदान कर दिया है। वे ऐसी बड़ी कुर्बानियों कर सकती हैं, तो हम क्या इतना भी नहीं कर सकते कि अपने अछूत भाइयों से हमदर्दी का सलूक कर सकें? क्या हम सचमुच ऐसे पस्त हिम्मत, ऐसे बोधे, ऐसे बेरहम हैं? इसे खूब समझ लीजिए कि आप उनके साथ कोई रियायत, कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, यह उन पर कोई एहसान नहीं है, यह आप ही के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, आइए इस मौके पर शाम के वक्त पवित्र गंगा नदी के किनारे काशी के पवित्र स्थान में हम मजबूत दिल से प्रतिज्ञा करें कि आज से हम अछूतों के साथ भाईचारे का सलूक करेंगे, उनके तीज त्योहारों में शरीक होंगे और अपने त्योहारों में उन्हें बुलाएंगे, उनके गले मिलेंगे और उन्हें अपने गले लगाएंगे, उनकी खुशियों में खुश और उनके दर्दों में दर्दमंद होंगे, और चाहे कुछ ही क्यों न हो जाए, चाहे ताना तिश्नों और जिल्लत का सामना ही क्यों न करना पड़े, हम इस प्रतिज्ञा पर कायम रहेंगे। आप में सैकड़ों जोशीले नौजवान हैं जो बात के धनी और इरादे के मजबूत हैं। कौन यह प्रतिज्ञा करता है? कौन अपने नैतिक साहस का परिचय देता है? वह अपनी जगह पर खड़ा हो जाए और ललकार कर कहे कि मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ और मरते दम तक इस पर दृढ़ता से कायम रहूंगा। चार सूरज गंगा की गोद में जा बैठा था और माँ प्रेम और गर्व से मतवाली जोश में उमड़ी हुई रंग केसर को शर्माती और चमक में सोने की लजाती थी। चार तरफ एक रोबीली खामोशी छाई थी। उस सन्नाटे में सन्यासी की गर्मी और जोश से भरी हुई बातें गंगा की लहरों और गगनचुंबी मंदिरों में समा गईं। गंगा एक गंभीर माँ की निराशा के साथ हंसी और देवताओं ने अफसोस से सिर झुका लिया, मगर मुंह से कुछ न बोले। सन्यासी की जोशीली पुकार फिजा में जाकर गायब हो गई, मगर उस मजमे में किसी आदमी के दिल तक न पहुंची। वहों कौम पर जान देने वालों की कमी न थी। स्टेजों पर कौमी तमाशे खेलने वाले कॉलेजों के होनहार नौजवान, कौम के नाम पर मिटने वाले पत्रकार, कौमी संस्थाओं के मेंबर, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, राम और कृष्ण के सामने सिर झुकाने वाले सेठ और साहूकार, कौमी कॉलेजों के ऊंचे हौसलों वाले प्रोफेसर और अखबारों में कौमी तरक्कियों की खबरें पढ़कर खुश होने वाले दफ्तरों के कर्मचारी हजारों की तादाद में मौजूद थे। आंखों पर सुनहरी ऐनके लगाए मोटे मोटे वकीलों का एक पूरी फौज जमा थी। मगर सन्यासी के उस गर्म भाषण से एक दिल भी न पिघला, क्योंकि वह पत्थर के दिल थे जिसमें दर्द और घुलावट न थी, जिसमें सदिच्छा थी मगर कार्य शक्ति न थी, जिसमें बच्चों की सी इच्छा थी मर्दों का सा इरादा न था। सारी मजलिस पर सन्नाटा छाया हुआ था। हर आदमी सिर झुकाए फिक्र में डूबा हुआ नजर आता था। शर्मिंदगी किसी को सर उठाने न देती थी और आंखें झेंप में मारे जमीन में गड़ी हुई थी। यह वही सर है जो कौमी चर्चों पर उछल पड़ते थे। यह वही आंखें हैं जो किसी वक्त राष्ट्रीय गौरव की लाली से भर जाती थी। मगर कथनी और करनी में आदि और अंत का अंतर है। एक व्यक्ति को भी खड़े होने का साहस न हुआ। कैंची की तरह चलने वाली जबान भी ऐसे महान उत्तरदायित्व के भय से बंद हो गई। 5 ठाकुर दर्शन सिंह अपनी जगी पर बैठे हुए इस दृश्य को बहुत गौर और दिलचस्पी से देख रहे थे। वह अपने मार्मिक विश्वासों में चाहे कट्टर हो या न हो, लेकिन सांस्कृतिक मामलों में वे कभी अगुवाई करने के दोषी नहीं हुए थे।
इस पेचीदा और डरावने रास्ते में उन्हें अपनी बुद्धि और विवेक पर भरोसा नहीं होता था। यहाँ तर्क और युक्ति को भी उनसे हार माननी पड़ती थी। इस मैदान में वह अपने घर की स्त्रियों की इच्छा पूरी करने ही अपना कर्तव्य समझते थे और चाहे उन्हें खुद किसी मामले में कुछ एतराज भी हो, लेकिन यह औरतों का मामला था और इसमें वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे परिवार की व्यवस्था में हलचल और गड़बड़ी पैदा हो जाने की जबरदस्त आशंका रहती थी। अगर किसी वक्त उनके कुछ जोशीले नौजवान दोस्त इस कमजोरी पर उन्हें आड़े हाथों लेते तो वे बड़ी बुद्धिमत्ता से कहा करते थे, भाई यह औरतों के मामले हैं, उनका जैसा दिल चाहता है करती है, मैं बोलने वाला कौन हूँ। गरज यह उनकी फौजी गर्म मिजाजी उनका साथ छोड़ देती थी। यह उनके लिए तिलिस्म की घाटी थी जहां होशवास बिगड़ जाते थे और अंधे अनुकरण का पैर बंधी हुई गर्दन पर सवार हो जाता था। लेकिन यह ललकार सुनकर वे अपने को काबू में न रख सके। यही वह मौका था जब उनकी हिम्मतें आसमान पर जा पहुंचती थी। जिस बीड़े को कोई न उठाए उसे उठाना उनका काम था। वर्जनाओं से उनको आत्मिक प्रेम था। ऐसे मौके पर वे नतीजे और मसलहत से बगावत कर जाते थे और उनके इस हौसले में यश के लोग को उतना दखल नहीं था जितना उनके नैसर्गिक स्वभाव का। वरना यह असंभव था कि एक ऐसे जलसे में जहां ज्ञान और सभ्यता की धूमधाम थी, जहां सोने की ऐनकों से रोशनी और तरह तरह के परिधानों से दीप्त चिंतन की किरणें निकल रही थी, जहां कपड़े लत्ते की नफासत से रोग और मोटापे से प्रतिष्ठा की झलक आती थी, वहां एक देहाती किसान को जबान खोलने का हौसला होता। ठाकुर ने इस दृश्य को गौर और दिलचस्पी से देखा। उसके पहलू में गुदगुदी सी हुई, जिंदादिली का जोश रगों में दौड़ा। वह अपनी जगह से उठा और मर्दाना लहजे में ललकार कर बोला, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ और मरते दम तक उस पर कायम रहूंगा। छे इतना सुनना था कि 2000 आंखें अचंभे से उसकी तरफ ताकने लगी। सुभान अल्लाह, क्या हुलिया थी! गाढ़े की ढीली मिर्जई, घुटनों तक चढ़ी हुई धोती, सर पर एक भारी सा उलझा हुआ साफा, कंधे पर चुनौती और तंबाकू का वजनी बटुआ, मगर चेहरे से गंभीरता और दृढ़ता स्पष्ट थी। गर्व आंखों के तंग घेरे से बाहर निकला पड़ता था। उसके दिल में अब इस शानदार मजमे की इज्जत बाकी न रही थी। वह पुराने वक्तों का आदमी था जो अगर पत्थर को पूजता था तो उसी पत्थर से डरता भी था, जिसके लिए एकादशी का व्रत केवल स्वास्थ्य रक्षा की एक युक्ति और गंगा केवल स्वास्थ्य प्रद पानी की एक धारा न थी। उसके विश्वासों में जागृति न हो लेकिन दुविधा नहीं थी, यानी कि उसकी कथनी और करनी में अंतर न था और न उसकी बुनियाद कुछ अनुकरण और देखा देखी पर थी, मगर अधिकांशत भय पर, जो ज्ञान के आलोक के बाद वृत्तियों के संस्कार की सबसे बड़ी शक्ति है। गेरुए बाने का आदर और भक्ति करना इसके धर्म और विश्वास का एक अंग था। संन्यास में उसकी आत्मा को अपना अनुचर बनाने की एक सजीव शक्ति छिपी हुई थी और उस ताकत ने अपना असर दिखाया। लेकिन मजमे की इस हैरत ने बहुत जल्द मजाक की सूरत अख्तियार की। मतलब भरी निगाहें आपस में कहने लगी, आखिर गंवार ही तो ठहरा, देहाती है, ऐसे भाषण कभी काहे को सुने होंगे, बस उबल पड़ा। उथले गड्ढे में इतना पानी भी न समा सका। कौन नहीं जानता कि ऐसे भाषणों का उद्देश्य मनोरंजन होता है। 10 आदमी आए, इकट्ठे बैठ, कुछ सुना, कुछ गपशप मारी और अपने अपने घर लौटे। न यह कि कॉल करार करने बैठे, अमल करने के लिए कस्में खाए। मगर निराश सन्यासी सो रहा था। अफसोस, जिस मुल्क की रोशनी में इतना अंधेरा है, वहां कभी रोशनी का उदय होना मुश्किल नजर आता है। इस रोशनी पर, इस अंधेरी मुर्दा और बेजान रोशनी पर मैं जहालत को, अज्ञान को ज्यादा ऊंची जगह देता हूं। अज्ञान में सफाई है और हिम्मत है, उसके दिल और जबान में पर्दा नहीं होता।
न कथनी और करनी में विरोध। क्या यह अफसोस की बात नहीं है कि ज्ञान और अज्ञान के आगे सिर झुकाए? इस सारे मजमे में सिर्फ एक आदमी है जिसके पहलू में मर्दों का दिल है और गो उसे बहुत सजग होने का दावा नहीं, लेकिन मैं उसके अज्ञान पर ऐसी हजारों जागृतियों को कुर्बान कर सकता हूँ। तब वह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे और दर्शन सिंह को गले से लगाकर कहा, ईश्वर तुम्हें प्रतिज्ञा पर कायम रखे।